یہ زن کوٹ چھنا ہائی کوٹ تتے پر چھ انچ زلہ شپین امی مگر یم زلہ چھ خرچاون امسی بچی ہند سے علاج اس پہ سچ سے ہتوی نہ یس یہ لکھس انڈر ٹیکنگ یم خرچاون سے باقی کوئی نہیں پٹ امسی چھ امی پرپز خاطر دیمے امی مقصد خاطر دیمے کہ انا بوڈ پانس پانس چھ ایسا یم رزم پانس تیل تیل نہیں پر یم مدد خاص کر सी बी डब्ल्यू बी खासकर डी सी सोबत बी खासकर जज सोबत कोर्ट के जरिए मिले वन रोप जो लक्ष चक बिजार अगर कूर ये वन ये कर इंसाफ बस बाकी चुन जरूरत कहें इंसाफ कर अगर तुम वन वो ना कोर्ट हिंद फोटो तुम ये वन गई इंसाफ मे बाकी चुन कह बुझ यूर तुम कौर गुमें तुम लगे खबर कैसे पास जो इंसिडेंट हुआ ये होने नहीं चाहिए। तो इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ पे ये ऐसे हादसे होते हैं वहाँ हमने अक्सर देखा है कि ये जो विक्टिम होते हैं बड़े गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और जो इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस है इसका ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा एडवांस होना चाहिए ताकि वो फिर उसमें वो जो भी विक्टिम होगा उसके लिए वो साजगार रहे। तो इसमें काफ़ी मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा भी आता है, इसीलिए जो है हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 में एक स्कीम बनाई और वो स्कीम क्या है, वो है कंपनसेशन टू वुमेन विक्टम्स। तो उसमें बहुत सारे वुमेन विक्टम हो सकते हैं जो डिफरेंट क्राइम्स के विक्टम हो सकते हैं। तो उसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल में एक अपेंडेड जो होता है हमारा शेड्यूल है उसमें एक कॉलम इसमें एसिड विक्टम्स का भी रखा गया था विड्रॉल जी का। तो उसमें हमारा है कि उसमें इंटरिम कंपनसेशन अप टू 2 लाख रुपीज हम दे सकते हैं जब तक कि उसका फाइनल हो जाएगा। फाइनल कंपनसेशन उसमें कोई 8 लाख रुपया रखा हुआ है। तो इस वाले केस में जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने इसका केस प्रोसेस करा, हमने रिकमेंडेशन लिखी, हमने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को रिकमेंडेशन लिखी जो हमारी जेकेयूटी में सलसा है। तो उन्होंने वहां पे जो केस को स्टडी करा, प्रोसीजर को फॉलो करा, प्रोसीजर फॉलो करने के बाद केस अप्रूव करा, हमारी रिकमेंडेशंस को अप्रूव करा, अप्रूव करने के बाद इसको 2 लाख रुपया सेंक्शन हो गया। तो आज हमने उसको इंटरिम बतौर कंपनसेशन 2 लाख रुपया दिया। केस अभी चल रहा है कोर्ट में, चालान पेश हुआ है। तो उसके बाद जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के बाद शी इज एंटाइटल्ड टू मैक्सिमम ऑफ 8 लाख रुपीज। तो अगर उसमें वो ट्रायल में देखते हैं तो 8 लाख रुपया उनको मिलना है।